किसान एकता किसान एकता किसान एकता। सिर्फ भारत ही नहीं हुण ते विदेशां विच वी किसानां दे हक च लगातार रैलियां हो रहियां ने। इंग्लैंड कैनेडा ते होर बहुत सारे बाहरले देशां तों बाद नार्वे दी राजधानी ओस्लो विच वी किसानां दे हक च आवाज़ बुलंद करन लई नार्वे दीआं गुरुघर दीआं कमेटियां ते समूह क्लबां वल्लों विशेष कार रैली दा आयोजन कीता गया। इस कार रैली विच ड्रैमन लेयर टॉन्सबर ते ओस्लो दीआं समूह संगतां ने हिस्सा लिया। इह रैली ड्रैमन तों चल के ओस्लो एयरपोर्ट तक कढ़ी गई ते भारत सरकार वल्लों बनाए खेती कानूनां खिलाफ रोस मुजाहरा कीता गया। सारी संगत नूं पहला तां असीं अज जो असीं किसान रैली हो रही आ दिल्ली दे विच किसान मार्च कर रहे आ उन्हां दे हक विच असीं नॉर्वे वासी अज उन्हां दी हैल्प दे विच कार रैली कर रहे हां। सो जो तुहानूं पता ही आ कि जो कानून काले कानून किसानां दे आए आ खिलाफ उन्हां नूं रद्द कराउण वास्ते जो सारे असीं प्रोटेस्ट कर रहे हां असीं अज नॉर्वे वासी भी उसका हिस्सा बन रहे हां। सो असी सारे इकट्ठे हो के एक कार रैली कर रहे हैं। सो सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद इस दे विच जो भी इकट्ठे होए हैं। सो बेनती करते हैं सेंटर सरकार नूं भी कि काले कानून जल्दी तो जल्दी वापस ले जान तां जो सारा किसान अपने हक्कां दा दी लड़ाई जिहड़ी जित सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। वीर जी करो फतेह। असी अज सारे नारे निवासी सारे इकट्ठे होए हैं जिहड़े पंजाब दिल्ली दे विच मोर्चा संघर्ष लग्या सिखां दा पंजाबियां दा किसानां दा किरतियां दा उन्हां वास्ते सारे नॉर्वे निवासी इकट्ठे होकर अज कार मार्च कढ़न लगे है क्योंकि कोविड करके असीं सारे इकट्ठे नहीं हो सकते। सो सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनेहा वाहिगुरू जी की फतेह। जी जिस तरह जो किसान संघर्ष भारत के चल रहा है उसमें सरकार ने जो किसानों के मतलब उपर जो काले कानून ठोसे ने उन्होंने विरोध में उस सारे ही भारत के किसान जोड़ा मोर्चा पंजाब से शुरू हो सारे भारत के किसान शांतमई जरा संघर्ष कर रहे हैं। तो उस संबंध में असी नॉर्वे के सारे कम्यूनिटी जिन्नी सिख तो हिंदू हो बाकी सारा भाईचारा असी सारे उन्होंने किसानों के नाल खड़े हैं। उन्होंने जीडिया मंगा है उन्होंने असी पुरजोर समर्थन करते हैं और असी उन्ना चर उन्होंने नाल जिन्ना चर तक उन्होंने नाल इंसाफ नहीं किया जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਾਰਵੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਪੂਰੀ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।